आज न्यूज़ पॉजिटिव में बात सिविल सर्विसेज के रिजल्ट्स की, लेकिन आज बात उस शख्स की जो मस्जिद में से पढ़कर, देखिए किस तरह से वो अकेडमी चल रही है, किस तरह से वहां से सिविल सर्विसेज की तैयारी हो रही है और वहां से निकले हैं अशरफ। ये है मोहम्मद अशरफ। इनकी शानदार कामयाबी के लिए इन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। इन्होंने काम ही ऐसा किया है, पहली ही कोशिश में अशरफ ने यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षा में कामयाबी हासिल की है और 1032वीं रैंक हासिल की है। गरीब परिवार से आने वाले अशरफ अपनी कामयाबी का श्रेय दे रहे हैं चेन्नई के अजगिया कदान आईएएस एकेडमी को, जिसे लोग जानते हैं मक्का मस्जिद आईएएस एकेडमी के नाम से। I cannot afford much for this to complete my education in this UPSC field. So for this, Lucky Kadan IAS Academy has helped me a lot right from the beginning till the end to achieve this goal. They have sponsored everything right from the beginning, like boarding, lodging, everything, books, study materials, everything, and they helped me a lot to achieve this. चेन्नई के अन्ना सलाई में मक्का मस्जिद के इमाम मौलाना शमसुद्दीन कासमी ने इस अकेडमी की शुरुआत की थी साल 2011 में। सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी के लिए कासमी ने मस्जिद की तीसरी मंजिल पर ही आईएएस एकेडमी की शुरुआत की थी। आज उन्हें न सिर्फ अशरफ पर गर्व है बल्कि इस बात का फख्र भी है कि मस्जिद में चलने वाली इस तरह की एकेडमी देश में सिर्फ यही है। श्री राजेंद्र सचार कमीशन एंड रंगनाथ मिशन कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक ऑल ओवर इंडिया में मुसलमानों का इकोनॉमी और एजुकेशनल लेवल बिल्कुल लो लेवल में है। ख़ास तौर पर तमिलनाडु में तकरीबन 20 साल से मुसलमानों से एक आईएएस एक आईपीएस नहीं आया। इसकी वजह से जो हैं हम लोग इसके बारे में बहुत फिक्र करके ये अढ़िया कड़न आईएएस अकेडमी को हम लोग ने कायम किया। मस्जिद में चलने वाली एकेडमी गरीब तबके के छात्रों के लिए वरदान है। अशरफ की कामयाबी से अब यहाँ पढ़ने वाले दूसरे छात्र भी जोश में हैं और अशरफ की तरह ही कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। अगर ये अढ़िया कड़न नहीं था तो मेरे लिए भी मुश्किल होता कि फर्दर जाके करूँ, तो ये मेरे लिए एक अच्छा बहुत बेहतरीन मौका है कि मैं यहाँ आया और आईएएस के लिए प्रिपेयर करया। ये कामयाबी हम लोगों को बहुत जज्बा देने वाली है और हमारे अंदर एक जोश पैदा करने वाली है। इस सक्सेस की वजह से हम लोग इंशाल्लाह हमारे खिदमत में और आगे बढ़ने के लिए ये हम लोगों को बहुत मदद करेगा।